बजा क्यों बजा रहे, बंद करो बाजा। हम तो फिर बाजा बजा रहे हैं, जो मुल्क की बैंड बजाते उनका क्या। हाँ तो भाई कैसे हो आप सब। तो पाकिस्तान का सबसे कंसिस्टेंट यूट्यूबर बैक विद अ न्यू वीडियो। ना हम वेले हैं, हम जो तुम्हें सर्च करके देखे ना 200 के होने वाले ना तुम्हारे, नहीं होंगे जो तुम्हारे काम है ना, तुमने महीने से वीडियो नहीं डाली है। तुम ऐसा करना, तुम ना इंडिपेंडेंस डे पे सिर्फ झंडा लेना, डंडा हम सारे तुम्हारे नासों में देंगे। कितने बदतमीज हो यार तुम, गजब बेइज्जती है। एक तो बात बात पे लोग मेरी बेइज्जती करके चले जाते हैं, बाकी यूट्यूबर्स ये डीएम होते हैं कि भाई बिग फैन सर कैसे हैं, किधर गुम है, लेकिन मुझे इंस्टा हराम पे डीएम आए होते हैं कि भाई वीडियो कब आएगी। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। खैर तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिपेंडेंस डे और उस पे लगाए जाने वाली पैंट छोली के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम सब अपना अपना बल्ब पकड़ के एक और नई यक्की पे रोशनी डालें। क्यों नहीं। तो शलवार के अनुसार सुनने में ये आ रहा है कि जो अली सेठी है पसुड़ी वाला, इसने गे मैरिज कर लिया, यानी किसी लड़के के साथ ही शादी कर ली है। आप भी बेगैरत है और जो आपको हैंडलर जो ये करवा रहे हैं वो भी बेगैरत है। जिसके साथ सुनने में आ रहा है कि शादी किया उसका नाम है सलमान तूर और वो बंदा पाकिस्तानी बोर्न अमेरिकन पेंटर है। तभी तो उसने अली सेठी को ऐसा पेंट किया कि आज अली सेठी अपने रंग दिखाने पे आ गया है। शर्म है कुछ शर्म आया है। मुझे तो लगा था कि ये सिर्फ गाना ही है कि अगलावा मजबूरी नू, इन्हें तो सच्ची मुची मजबूरी नू अगला देती है। अब तकरीबन पिछले 1 घंटा 32 मिनट से मैं बैठा ये सोच रहा हूँ क्या 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 क्या, आखिर इन दोनों की शादी में हक महर किसने दिया होगा। बात तो सही है। काफी गौर और फिक्र करने के बाद मुझे जवाब नहीं मिला। चलो खैर इसको भी छोड़ो, मैं तो ये सोच रहा था कि सलमान तूर और अली सेठी में से शोहर कौन होगा और बीवी कौन होगी। साढ़े 26 मिनट दिमाग खपाने के बाद मुझे इसका जवाब भी नहीं मिला। अगर तुम्हारे पास है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। खैर अब जो मेरी फाइनल थिंकिंग है वो मैं ये सोच रहा हूँ कि इन दोनों में से पहले देगा कौन। इन दोनों की शादी की रात सीन कुछ इस तरह का हुआ होगा। तो देने तू दे पहले तू दे। अब कोई नहीं पता कि दोनों में से रुखसती किसकी हुई और तलाक किसको होगी। चलो उसको भी छोड़ो, मुद्दे की बात तो ये है कि दोनों में से बच्चे कौन पैदा करेगा और कहाँ से करेगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। इस दुनिया में इतनी प्यारी लड़के होने के बावजूद भी अगर कोई इस तरह लड़के से शादी कर ले तो मैं लानत भेजता हूँ उसके मुँह पे और उसकी चॉइस पे। देखा जाए तो अली सेठी जैसा बंदा अगर इस तरह की हरकत कर सकता है तो यकीन मानो इस दुनिया में कोई कुछ भी कर सकता है। आजकल किसी से अच्छे की उम्मीद रख के अपने लोले पुरे लगवाने से बेहतर है कि बंदा घर में कुत्ती रख ले। मस्त प्लान है। खैर मजाक को एक साइड पे रखते हैं, ये हरकत जो इन दोनों ने की है ये बहुत ही काबिले मजम्मत है। तुम लोगों को पता ही है कि ये चीज हमारे यहाँ बिल्कुल हराम है। चलो मैं ये भी मानता हूँ कि कोई भी मुसलमान परफेक्ट नहीं है। आज के दौर में शरीफ बस वही है जिसको या तो मौका नहीं मिला या फिर जगह नहीं मिली। हर बंदा ही बगैरतियां लगाता है लेकिन ये दोनों आपस में मिलकर बगैरतियों में ट्रॉफी लेने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो हर बंदा ही बेशरम है लेकिन ये दोनों बेशर्मी का खड्डा खोदती है उसके अंदर ही वड़ गए। इन जैसे लोगों को तो सोसाइटी के लिए मिसाल बनना चाहिए और इसका हिसाब लगाओ ये पैंचो मवेश बन गया। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और मैं तो ये देख रहा था कि ट्विटर पे कुछ नजायज औलादे इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई उसकी अपनी लाइफ है, उसको जो करना है करने दो। ठीक है माना कि उसकी अपनी लाइफ है लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कुत्तों वाले काम करे। बल्कि कुत्ता भी देख के ही लगता है कि भाई कुत्ती को ही लगना है, ये तो मर्द हो के मर्द को ही लग गया। तो एक ट्वीट है जिसमें हानिया कहती है, एक तो यार हानिया नाम की सारी लड़की नफसियाती क्यों होती है। तो हानिया गूगल ट्रांसलेटर से इंग्लिश का छापा मारते हुए कहती है कि अगर तो अली सेठी की शादी सच है तो भाई मैं बड़ी खुश हूँ। अच्छा, हर बंदे को हक है कि वो उस बंदे से शादी करे जिससे वो प्यार करता है। ठीक है, और मैं बड़ी खुश हूँ कि उसने अपना वो वाला बंदा ढूंढ लिया। समझ गया। यार हानिया मेरी बात सुनो, अब तो मैं भी दिल से यही चाह रहा हूँ कि काश तुम्हारे अब्बे ने भी किसी मर्द से शादी की होती। कम से कम इसका ये फायदा तो होता कि मुझे इस दुनिया में ऐसी ट्वीट्स देखने को ना मिलती। और बाकी जितने भी लोग इस सेम जेंडर मैरिज को सपोर्ट करके उसको हमदर्दी दिखा रहे हैं उन सबको सिर्फ और सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा कि त्वाड़े वर्गे सज्जन मेरे लाटे हो जाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, याका नाबुदु व याका नस्ताईन। मेरे पाकिस्तानियों, मैं अभी रात के तकरीबन 12 बजने लगे हैं तो मैं आपके सामने सिर्फ मुख्तसर बात करना चाहता हूं और वो बात है सॉरी 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 सॉरी
सॉरी सॉरी। तो अब अपने 100 वाट के बल्ब से रोशनी डालते हैं 14 अगस्त पे। तो सबसे पहले तमाम लोगों को मेरी तरफ से आजादी मुबारक। भाई मुबारक हो। आज के दिन मेरी ये दुआ है कि अंग्रेज आके हमारा मुल्क वापस ले लें, क्योंकि ये आज वाली आजादी मेरे को वारे नहीं खा रही। तो मेरी मानो तो आज भी मौका है, मुल्क वापस कर देते हैं उनको। I live here and there as well, yeah. बाकी मुझे पता है कि तुम लोगों के पास तो पैसे होंगे ही सही और तुम 14 अगस्त मनाओगे भी सही। तो बस एक काम करना, झंडा ले लेना, डंडे को रहने देना, क्योंकि वो हुकूमत ने पहले ही आवाम को दिया हुआ है और मेरे जैसे लोगों को तो ऐसा डंडा दिया हुआ है कि हमारे पास तो झंडा खरीदने के भी पैसे नहीं है। खैर जो हालात चल रहे हैं, बरमूडा ट्रायंगल का वीजा लग जाए तो भी निकल लो भाई। यहाँ पे गुरबत में मरने से अच्छा वहाँ पे पानी में डूब के मर जाओ, कम से कम शहादत तो काउंट होगी ना। बात तो सही है। तो अब बात करते हैं 14 अगस्त पे लगाई जाने वाली रंगीन यकियों के बारे में। होना तो ये चाहिए कि भाई मुल्क आजाद हुआ है तो शुक्र मनाएं, और मुल्क डिफॉल्ट नहीं करीब है तो थोड़ी दुआ कर लें, लेकिन नहीं, इधर तो बाजा बजा के बाजियां पेश की जाती हैं। बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे यार। क्या चिचोर बने, तमीज नहीं आप साले, हॉट गार्ड में डाल देंगे अभी। तो अगस्त लगती है एक मखसूस आवाम होती है जो कि रोज बाजे लेके निकलती है, और सारा दिन हर गली मोहल्ले में पां पां की आवाज होती है, जैसे 14 अगस्त वाले दिन इनके प्यो की शादी हो। मुझे तो आज तक ये लॉजिक नहीं समझ आई कि आजादी वाले दिन पां पां बजाने की क्या जरूरत है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो लोग बाजा बजा के बाकी लोगों को जलील करते हैं उनकी बाजियों की शादी मेरे साथ हो जाए। चलो, बाजा बजाने वालों में से ज्यादातर तादाद होती है बच्चों की, तो समझ आता है कि भाई अभी बच्चे हैं, दिमाग के कच्चे हैं, इनको अकल कोई नहीं है। लेकिन ये जो हमारे शपाटर पॉइंट जिनका ऊंट जितना कद होता है, अगस्त के लगते बाइक का साइलेंसर उतार देते हैं और जैसे ही रोड पे निकलते हैं पीछे बाइक की पड़ 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 खत्म नहीं हो रही होती। बेंच साइलेंसर उतार के रखने की क्या जरूरत थी, अपनी गर्दन में डाल लेते। बाइक की टुई खोल के रख देने से इनको लगता है कि ये बहुत कूल बन रहे हैं, लेकिन हकीकत में रास्ते में आता जाता बंदा इनको गालियां दे रहा होता है। हथी लगा लगा के ये लोग खत्म होते हैं, अपना वजन इनसे उठाया नहीं जाता, और 14 अगस्त वाले दिन बाइक का अगला व्हील चुकी फिरते हैं। ये सीन होता है कि सीधा 125 थे तो 125 120 थे, और 5 मिनट बाद खबर आती है कि सीधा एम्बुलेंस थे तो एम्बुलेंस 140 थे। और फिर आते हैं हमारे महान टिकटॉकर्स। ये वो लोग हैं जिनको कायदे अजम से ज्यादा 14 अगस्त की खुशी होती है, क्योंकि इन्होंने राय कपड़े पहन के टिकटॉक्स बना के अपनी आजादी मनानी होती है। और मैं लानत भेजता हूँ ऐसी आजादी मनाने पे। 14 अगस्त वाले दिन ये जानवर की तरह गिरोह बना के निकले हुए होते हैं, और हर पार्क में, हर पब्लिक प्लेस में तुम्हें कोई ना कोई छपरी टिकटॉकर लाजमी नजर आएगा। पूरा साल इनको मुल्क की घंटा परवाह नहीं होती, सारा साल मुल्क को गंदा करते हैं, और 14 अगस्त वाले दिन इनकी ममताएं जाग जाती हैं और 15 अगस्त को वापस सो भी जाती हैं। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आप जानते हैं मैं आपकी अपनी इमान उमर, और गाइस आज पाकिस्तान का हैप्पी इंडिपेंडेंस डे है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान, और 15 अगस्त को है हिंदुस्तान का हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान, बाय बाय, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान। तुमने अपनी शक्ल दिखा के मेरा सारा मूड खराब कर दिया है। अभी इसके हाथ में मैं इंडिया की फील लेने ही लगा था कि तुम इसराइल बन के नाजिल हो गई हो, और इसके हाथ में तो इंडिया का झंडा है, लेकिन इसके हाथ में नहीं है तो आके मेरा पकड़ लो, मतलब कि मेरे से ले लो इंडिया का झंडा। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो तुम लोगों की खिदमत में हाजिर है कायदे आजम नॉन पीटीए पैनल चेंज बैटरी चेंज 69 बैटरी हेल्थ विद ओरिजिनल केसिंग। मैं तुम लोगों को सही बता रहा हूँ कि अगर इन सारी यकियों का कायदे आजम को पहले से पता होता तो पक्की बात उसने हमें आजाद करवाना ही नहीं था। इकबाल भी ऊपर से बैठ के कहता होगा कि इन पैन के छक्कों का ख्वाब मुझे नहीं आया था, ये तो कोई और ही मखलूक आजाद करवा दिया कायद ने। ये क्या है? बाकी यार खैर जो भी हो, अपना मुल्क अपना होता है। वैसे हम लोग बहुत कहते हैं कि हमने बाहर जाना है बाहर जाना है, लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि बाहर हमें किसी ने पान की पी के दीवारों पे नहीं मारने देनी, और अगर किसी ने रोड पे बैठ के मूतना शुरू कर दिया तो क्या होगा उसका। ये सारे फीचर सिर्फ तुम्हें पाकिस्तान में अवेलेबल है क्योंकि ये अपना मुल्क है, तो इसीलिए बंदे के पुत्र बनो, अपने मुल्क का खुद ख्याल रखो। ये क्या बात हुई कि सारे मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, वो भी अकेले अकेले, मुझे साथ लेके जाओ तो और बात है। ऐसे ये जितने भी लोग बाहर अकेले भागे जा रहे हैं ना, ये सारे गद्दारी कर रहे हैं मुल्क के साथ। जहन्नमी 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 जहन्नमी। तो बस यार आज इतना ही, और हमारे आखिरकार मरते मराते 200 के सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। भाई मुबारक हो। सबसे पहले तुम सब लोगों का कसम से दिल की गहराइयों से शुक्रिया कि तुम लोगों ने मुझे इरेगुलर होने के बावजूद भी सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच एवरीवन, जो लोग मुझे देखते हैं नहीं देखते, जो लोग मुझे पसंद करते हैं नहीं करते, तुम सबका बहुत शुक्रिया। अभी बस हमने स्पीड पकड़नी है, तो इसी तरह सपोर्ट करते रहो। बाकी 200 के स्पेशल Q&A भी आएगा, कुछ मेरे पास पहले से है और कुछ सवाल तुम नीचे लिख दो, और उसके अलावा मुझे कुछ डेयर वगैरह भी दे दो, मैं वो भी करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बस फिर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, आज कोई लाइक एम नहीं है, दिल करे तो कर दो, बाकी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? हलवा है क्या? दिहाड़ी लगा जा, दिहाड़ी लगा।